हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रजनीश आज आप लोगों को मास्टरबेशन के बारे में बताएंगे। ये कहते किसको हैं और ये करने के बाद आपको क्या दिक्कतें होंगी, इसे आप कैसे छोड़ सकते हैं और कुछ लोगों का मेरे जो वीडियो देखते हैं उनका डिमांड था कि आप मास्टरबेशन पर एक ऐसा वीडियो दें जिससे मेरी आदत छूट जाए। तो पहले आप जान जाएं कि मास्टरबेशन का मीन्स हुआ हस्त मैथुन क्रिया। एक कहते किसको है, ये वो संभोग है जिसमें बंदा खुद ब खुद करता है, उसी को मास्टरबेशन कहते हैं। अब मास्टरबेशन के बाद बहुत सारे नुकसान हैं। पहला तो आपका शरीर डल होगा, कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, शरीर का ग्रोथ है जो बढ़िया से डेवलप नहीं होगा। और तो आगे की बात है, शादी के बाद भी आपका पारिवारिक सुख में नहीं होगा, ये सब दिखते हैं। और अगर हस्त मिथुन क्रिया ज़्यादा करते हैं तो और दिक्कत है, अगर कम करते हैं तो कम करते करते उसे छोड़ ही दें तो ज़्यादा बेटर है। अब छोड़ने के लिए क्या करना है, छोड़ने के लिए कुछ नहीं, बस अपने आप मन को फ्रेश रखें, माइंड को फ्रेश रखें, गंदी बातों को ना सोचें, गंदी बात दिमाग में ना लाएं, गंदे लोगों से दोस्ती ना करें, गंदी बुक ना पढ़ें और गंदे संगत में ना रहें, माइंड को खाली ना रखें। माइंड में गलत ख्याल कभी आए तो उसे, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है कहा गया है। आप कुछ न कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखें, कुछ न कुछ पढ़ते रहें और इसका होम्योपैथिक मेडिसिन भी है इसमें कारगर। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में बस एसिड फॉस 30, उसे सप्ताह में 2 से 3 दिन एक बार मात्र 2 से 3 बूंद आप खाली पेट या कहीं भी खा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई मेडिसिन ही नहीं है जो मास्टरबेशन हस्त मिथुन क्रिया को मैंने मेडिसिन दिए और तुरंत बंद हो जाए। इसके लिए आपका बेल पावर को स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।